हेलो, इस वीडियो में हम स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, बिटवीन का है, इक्वल टू का है। तो इन सभी को यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट की सैलरी। अब क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद ग्रेटर देन यहाँ पे भरेंगे। ये है, यहाँ पे हम भरेंगे कि हमें 8000, इससे जो ऊपर सैलरी है वो हमारे पास हाईलाइट होके आ जाए। तो 8000 यहाँ पे भरा। इसके बाद किस कलर में हाईलाइट होके आ जाए, यहाँ पे कलर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन है, जैसे येलो फिल, ग्रीन फिल, टेक्स्ट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर। तो जो भी चाहिए यहाँ पे वो ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये पहले वाला इसी को रहने देते हैं, ये रखा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू भर दी है 8000 से ऊपर जिसकी भी सैलरी है वो हाईलाइट होके आ जाए। तो 8000 यहाँ पे भरा। इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो 8000 से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी है वो यहाँ पे हाईलाइट होगी। जैसे यहाँ पे 10000 है, यहाँ पे 9000 है, यहाँ पे 12000 है, यहाँ पे 9000 है। तो इस तरह से हम इनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन का हो गया। इसके बाद इसको करेंगे हम क्लियर। तो क्लियर करने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे गए, इसके बाद क्लियर रूल्स यहाँ पे गए, इसके बाद यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड को करेंगे, तो सेकेंड के लिए फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, हमने लेस देन, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद दूसरा है लेस देन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेस देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद कितने से कम चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने भरा 7000 से, कौन से यहाँ पे हाईलाइट होके आए 7000, 7000 यहाँ पे भरा कि हमें वो यहाँ पे सैलरी आए जिसकी 7000 से कम है। तो ये 7000 भर दिया। इसके बाद यहाँ पे कलर अगर चेंज करना है, सपोज करो हम यहाँ पे येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक किया। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे 7000 से जिसकी कम सैलरी है यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये लेस देन का हो गया। अब इसी तरह इसको भी हम क्लियर करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, इसके बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल यहाँ पे क्लिक किया, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब अगले को करेंगे, तो उसको करने के लिए इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद अब अगला है बिटवीन। तो यहाँ पे हम बिटवीन अप्लाई करेंगे। बिटवीन पे क्लिक किया। अब किसके किसके बीच में सैलरी चाहिए यहाँ पे हम भरेंगे, ये मिटाया और हमने यहाँ पे भरा 8000, और हमने भरा यहाँ पे 12000 कि हमें 8000 और 12000 के बीच में जिसकी सैलरी है वो हमारे पास हाईलाइट होके आए, ये भर दिया। इसके बाद कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर देते हैं, ग्रीन फील विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट ये ले लेते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये सैलरी हमारे पास 8000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा है 12000 तक वो सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे 6000, 7000, 5000 यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ। हमारे पास कौन सी वैल्यू हाईलाइट होके आई, जो कि 8000 और 12000 के बीच में है, वही वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट होके आ गई। इसके बाद इसको भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, ये सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियर रूल्स, इसके बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगला करेंगे ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू मतलब जो वैल्यू इक्वल है यहाँ पे वो हमारे पास आए, इक्वल टू यहाँ पे क्लिक किया। तो इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे हम भरेंगे, जैसे 9000,
कि जो 9000 हमारे पास वैल्यू है वही हमारे पास आए, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ये बताएगा। यहाँ पे अगर कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं ये, तो यहाँ पे हम कलर इसका भी ग्रीन ही यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो ये देखो इक्वल टू का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू इक्वल है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएंगी। इसके बाद इसको भी क्लियर करेंगे सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, इसके बाद क्लियर रूल्स यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद आगे इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन करेंगे, तो अगला ऑप्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हम आगे जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट पूछ रहा है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ अमित, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमित आ जाता है, पहला जो सेल होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे अमित आ गया। अब कौन सा हमें यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए जो कि हाईलाइट करना है वो हम यहाँ पे भरेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे विशाल, ये हमारे पास हाईलाइट हो के आए, तो हम यहाँ पे भरेंगे विशाल, तो ये लिखा हमने विशाल, यहाँ पे लिखा विशाल। लिखने के बाद अगर कौन सा कलर चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर को रखा येलो, येलो कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक किया, तो ये देखो विशाल जो है यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट होके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी क्लियर किया, ये सारा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद क्लियर रूल्स, इसके बाद क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो डेट का है, तो डेट को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये डेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डेट सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ए डेट ऑकरिंग यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये जो बता रहा है कि ये जो यस्टरडे, ये देखो यस्टरडे पीछे की जो डेट है वो हाईलाइट होके आए, तो इसको ओके किया, तो ओके करने के बाद ये देखो यस्टरडे जो डेट है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गई। इसके बाद ये सारे कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे गए, इसके बाद इसको भी क्लियर कर देंगे यहाँ पे, ये देखो क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के लिए फिर हम यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसके बाद ए डेट ऑकरिंग यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या करना है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, जैसे अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे टुडे, तो टुडे पे क्लिक किया, तो ये देखो ये टुडे ये सेल यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब और चाहिए, जैसे ये देखो टुमारो, तो टुमारो वाला सेल हाईलाइट हो जाएगा, ये देखो टुमारो, तो टुमारो वाला ये हाईलाइट हो गया। अब और भी यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे इन दी लास्ट 7 days, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो इन दी लास्ट 7 days वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए, ये देखो सभी हाईलाइट हो गए यहाँ पे। इसके बाद और भी यहाँ पे ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीक भरा, नेक्स्ट वीक, और इसका अगर कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और इसको येलो करेंगे, येलो करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो 19 के बाद, ये 19 के बाद नेक्स्ट वीक अगला वीक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम डेट को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट किया, और इसकी भी हमने ये क्लियर रूल्स यहाँ पे जाएंगे, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल यहाँ पे क्लिक किया, तो ये सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम इस सैलरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे लेंगे हम, अगला है हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़, कि जो वैल्यू डुप्लीकेट हैं वो हमारे पास यहाँ पे आए, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो डुप्लीकेट वैल्यू जो है, जो सेम वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएंगी, ओके पे क्लिक किया, तो ये देखो हमारे पास ये डुप्लीकेट वैल्यू 9000 है, 9000 है। अगर और भी यहाँ पे 9000 होता तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाना था, तो हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू 2 ही है, तो ये 2 यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गई। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, इसको भी क्लियर किया,
ये क्लियर कर दिया इसको। क्लियर करने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे डुप्लीकेट और यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिक दिया हुआ है कि यूनिक वैल्यू जो है जो सेम नहीं है वो हमारे पास आए, तो यहाँ पे यूनिक पे क्लिक किया, इसके बाद ओके पे क्लिक किया, तो ये देखो यूनिक वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। यूनिक का मतलब है कि जो वैल्यू सेम नहीं है, तो ये कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो ये वैल्यू हमारे पास हाईलाइट होके आ गई, और ये 9000 और 9000 ये सेम वैल्यू है, तो ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुई। तो इस वीडियो में हमने वैल्यूज़ को कैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन आदि किया जाता है के बारे में सीखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।